अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज के वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, कल मैंने आप लोगों से जो है वो एक वीडियो शेयर की थी और उसका मैंने पार्ट वन आप लोगों के साथ बेसिकली शेयर किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किस तरीके से बजीज का जो है वो मैंने काम शुरू किया और किस तरीके से बजीज जो है ना मेरे लिए एक मशले राह बने कि मैंने जो है ना ब्रीड्स के ऊपर काम करना है, मैंने जो है इन परिंदों को और ये फार्मिंग को जो है ना लेके चलना है फॉर द टाइम बीइंग, के मतलब मैंने इनसे अर्न करना है और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है इसको एज अ पेशा अडॉप्ट करना है। तो मैंने आप लोगों को उसके अंदर ये बताया था कि किस तरीके से बजीज मुझ पर प्रोवाइड किया गया, एज अ गिफ्ट मिला और उसके अंदर क्या क्या मसाइल थे, तो फिर मैंने उनके बारे में सर्च करना शुरू किया। तो अगर आपने वो वीडियो जो अभी तक नहीं देखी तो इधर आई बटन के ऊपर जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को उसके आखिर में ये बताया था कि बचीज जो हैं वो आप उनका दाना किस तरीके से सारा दे सकते हैं, किस तरीके से उनके जो है ना वो ब्रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपने बचीज से जो है ना वो प्रॉफिट लेना है और कौन सी गलतियाँ जो है वो नए आने वाले बचीज जो पालते हैं वो करते हैं, जिनकी वजह से उनको जो है नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आपने बजीज का साइज़ किस तरीके से मेंटेन करना है, कि आप ये कहें कि हाँ सर जी, मेरे पास जो ब्रीडर पड़े हुए हैं, मेरे पास जो बजीज हैं उनका साइज़ बड़ा है, ठीक है, और आपके पास जब वो जाके ब्रीड करेंगे तो आपको मायूस नहीं करेंगे, ना उनके अंदर कैल्शियम की कमी होगी, ना उनके अंदर जो है किसी और चीज़ की कमी होगी कि वो आपके पास जाके अंडे कम दें या बिल्कुल अंडे ना दें या अंडे कम फर्टाइल करें। तो इन सब चीज़ों से आपने किस तरीके से बचना है, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक बजीज का पेयर ले आते हैं, ठीक है, अपने पास उनसे ब्रीड करवाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके आगे फर्दर बच्चे होते हैं, फिर उनके आगे फर्दर बच्चे होते हैं, उनको आपस में क्रॉस ब्रीड करवा के उनकी जो है ना फर्टिलिटी को कम करते हैं, उनकी साइज़ को कम करते हैं, उनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी को कम करते हैं। अब यहाँ पे इनफर्टिलिटी का मतलब और आपको साइज़ का मतलब तो पता लग गया, ब्रीडिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जहाँ पे उनके माँ बाप 10 अंडे के करीब दे रहे थे, 9 अंडों के करीब दे रहे थे, 8 अंडों के करीब दे रहे थे, ये बजीज की क्वालिटी होती है कि वो इतने अंडे देती है, ठीक है। वहाँ पे आपके जो है ना आने वाली तीसरी नस्ल चल रही है, उसके अंदर सिर्फ आपको 2 अंडे मिलते हैं, 3 अंडे मिलते हैं, 4 अंडे मिलते हैं, उनमें से एक बच्चा निकलता है, 2 निकलते हैं, 3 निकलते हैं बस, ठीक है, और वो भी उनका साइज़ इतना बड़ा होता है। फिर उसके बाद निकलने के बावजूद किसी को टांग सीधी हो जाती है, किसी का कॉन्डम हो जाते हैं, पर नहीं निकलते, को बहुत सारे मसाइल इसके अंदर जो है ना शरीक हो जाते हैं। इन सब से बचना कैसे है, आपने एक पेयर लेके आए, लेट्स सपोज आप एक पेयर लेके आते हैं और उसके अंदर जो है ना बच्चे हो जाते हैं आपके, ठीक है, उसके अंदर आपको एक फीमेल होती है निकल आती है और एक मेल निकल आता है। लेट्स सपोज ये एक तहिया कर लेते हैं कि आपने एक पेयर लेके आए, उनमें से उन्होंने 2 बच्चे दिए, एक मेल था एक फीमेल। अब आपने ये करना है कि आपने उस अपने बजीज के साथ इंट्रोड्यूस करवाने हैं नए बर्ड। अब आप बाहर से उस फीमेल के लिए जो आपके बजीज की बेटी थी उसके लिए आपने नया मेल लेके आना है बाहर से, और आपका जो उनका बेटा था जो पैदा हुआ था उसके लिए आपने लेके आनी नई फीमेल। ये आप ये कर सकते थे कि आप जो है ना दोनों को आपस में क्रॉस ब्रीड करवा सकते थे, ठीक है। अब आप उन दोनों को क्रॉस ब्रीड करवा सकते थे, या आप ये काम कर सकते हैं कि आप उनमें से फीमेल को जो है ना बेच दें और उसकी जगह नई फीमेल या किसी अपने दोस्त के साथ एक्सचेंज कर लें, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। या आप इस तरीके से कर लें, या आप दोनों को है मेल फीमेल जो है ना बाहर से लाकर दे दें, या मेल को एक्सचेंज कर लें दोस्त के साथ या किसी और बंदे के साथ, या फीमेल को एक्सचेंज कर लें ताकि आपके पास जो ब्लड लाइन है वो टोटली डिफरेंट हो जाए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप दोनों पेयर के जो माँ बाप वाला पेयर है और जो उनके बेटे के साथ आपने दूसरी फीमेल लगाई या उस बेटी के साथ आपने दूसरा मेल लगाया, अब इन दोनों से आने वाली जो ब्रीडें होंगी आपको उनके मेल्स को और फीमेल्स को इंटरचेंज करके आप आपस में क्रॉस करवा सकते हैं। यानी कि समझ लें कि उनके जो माँ बाप के पेयर से ना सारे मेल आ रहे हैं, लेट्स सपोज एज्यूम कर लेते हैं, और इधर से उनका जो बेटे के साथ आपने नई फीमेल लगाई थी उनके जो पेयर से जो है ना सारी फीमेल्स आ रही हैं, तो अब आप इन दोनों के दरमियान जो है ना क्रॉस ब्रीड इजीली करवा सकते हैं बिना किसी टेंशन के, आपको कोई क्रॉस ब्रीडिंग का मसला नहीं होगा, ठीक है। अब जो उनके अंदर से तीसरी नस्ल आएगी उसके अंदर आपने क्या करना है कि उसके अंदर आपने मज़ीद न्यू बर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। फीमेल्स को हटा लें, मेल्स के साथ फीमेल्स ले आएँ,
तमाम मेल्स को हटा लें और मेल्स की जगह बाहर से न्यू मेल ला के उन फीमेल्स के साथ तीसरी ब्रीड, तीसरी जनरेशन के साथ आप लगाएंगे, फिर आपके पास जो है कभी भी ना साइज़ का इशू आएगा, ना फर्टिलिटी का इशू आएगा, ना कभी उनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी का इशू आएगा, ना उनके रंगों के अंदर कोई मसला होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इम्प्रूवमेंट के अंदर मदद देंगी कि आपने बजीज को जो है ना किस तरीके से बेहतर इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो होपफुली कोशिश मैंने की है कि आप लोगों को जो है ना वो समझ आ गई होगी किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं बजीज के अंदर। ये तो वैसे एक बेसिक फार्मूला है, अभी किसी बर्ड के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, और इस चीज़ को बेसिकली कहा जाता है आउट ब्रीडिंग, ठीक है। एक होती है इन ब्रीडिंग और एक होती है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के अंदर आप बाहर से ला कर परिंदों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बाद आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये था कि ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखी, उसके बाद मैंने ये किया कि इन सारी चीज़ों को अपने बजीज़ के पास जो है ना वो इम्प्रूव किया। अब मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सी, ठीक है। अब मैंने क्या करना शुरू कर दिया कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, लेट्स सपोज आपके पास 1,000 रुपये हैं, ठीक है, और 1,000 रुपये के अंदर आपको दो पेयर मिल रहे हैं ब्लैक आइस के, ठीक है, आपको दो डिफरेंट पेयर मिल रहे हैं ब्लैक आइस के। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसके उन परिंदों के अंदर जो है हमेशा जो है वो ग्रीन बजीज को तरजीह दें, क्योंकि आपके जो ये ग्रीन बजीज होते हैं ये इनको बोला जाता है वाइल्ड बजीज, और ये जो आपके वाइल्ड बजीज होते हैं ये इतनी ज़बरदस्त ब्रीड करते हैं, इतनी ज़बरदस्त ब्रीड करते हैं कि इनकी मैक्सिमम और बल्कि इनकी जो एवरेज एग साइज़ होता है, इनका एवरेज एग क्वांटिटी होती है वो तकरीबन होती है 8 से 9 अंडों होगी, ठीक है। जब इनकी एवरेज एग जो है ना एवरेज होगी वो 8 से 9 अंडों की, तो आपके पास कम से कम भी 6, 5, 6 बच्चे आएंगे, ठीक है। जब आपके पास 5 से 6 बच्चे हर ब्रीड के अंदर आ रहे होंगे तो आप इजीली इनके बच्चे जो है ना वो आगे सेल कर पाएंगे। लेट्स सपोज इनके 5 बच्चे आए, इन्होंने जो पहला बच्चा पाला बहुत हेल्दी था, उसको साइज़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त था, उसको आप रख लें, बाकी चारों को सेल कर दें। बाकी चारों को सेल करेंगे, आपके पास इतना दाना भी आ जाएगा कि आप उस पहले पेयर को दे दें, आप उसके साथ एक फीमेल भी लेके आ सकते हैं बाहर से, और इस तरीके से आप अपना सर्कल चला सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये पार्ट 2 है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पार्ट 3 के अंदर आपको अपनी स्टोरी तमाम बना के बता के जो है ना इस पार्ट को ख़त्म किया जाए। तो इसी के साथ वीडियो का अख्ताम हो जाता है, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।